नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो पार्ट्स में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें फर्स्ट जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस आ जाता है, ठीक है, जो दूसरा है उसमें इसकी ब्रेक डाउन आ जाती है, ग्लाइकोजन डीनोलाइसिस, ठीक है। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लूं, लेकिन चूंकि दोनों एक सेपरेट पार्ट्स हैं, सेपरेट चीजें हैं, तो भी टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? देखो, हमने एक इंसान है, उसने एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली है, ठीक है ना, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी सोर्स है, ग्लूकोज हमें मिलती है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है वाफर में, कार में, ठीक है। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई है इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमें पता है कि ग्लूकोज की इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो कम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है वो इंटेस्टाइन में जाकर होती है, अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें हमारी बॉडी को नीड थी ग्लूकोज की, वो यूज होगी, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अब उसने होना है स्टोर्ड, इस फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का स्टोर होना, ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा लीवर, हमें पता है कि एक लीवर और ये हमारे स्केलेटल मसल होंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज जो स्टोर होती है, एक तो लीवर में होती है और दूसरा कहाँ पे होती है, स्केलेटल मसल्स में होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्लूको लीवर में GLUT2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इनके बारे में मेरी 11 वीडियो है GLUT2 रिसेप्टर्स के बारे में, जिसने अगर किसी ने नहीं देखी वो देख सकता है, ठीक है। GLUT2 रिसेप्टर के बारे में, अब GLUT2 रिसेप्टर जो है ये टू वे रिसेप्टर है, इसको याद कैसे रखना है, अपने टू से याद रख लेना, भाई ये टू वे रिसेप्टर है। कहने से मुराद ये है कि अगर ग्लूकोज एंटर हो रही है तो फ्री ग्लूकोज वो एक्सपेल्ड आउट भी इजीली हो रही है इसी रिसेप्टर के थ्रू, ब्लड ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, ठीक। अब होता क्या है, जो फ्री ग्लूकोज जो नीड थी हमारी बॉडी को, ग्लूकोज वहाँ यूज होगी, ठीक है ना, जो रिमेनिंग ग्लूकोज थी उसने होना है अब स्टोर्ड, ठीक है। अब जो स्टोर्ड ग्लूकोज होना है, जिस ग्लूकोज ने स्टोर होना है, वो अब आएगी, एंटर होगी लीवर में, ठीक है। अब लीवर में जब ग्लूकोज जो है वो एंटर हो गई है, फॉर एग्जांपल ये एंटर हो गया, लीवर में एंटर हो गई है, जैसे कि मैंने बताया कि GLUT2 रिसेप्टर जो है वो टू वे रिसेप्टर है, अगर ग्लूकोज एंटर इजीली हुई है तो इजीली एस्केप आउट भी हो सकती है, ठीक है ना। इमीडिएटली लीवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में भी आप पढ़ते हो ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, इन दोनों के, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि हेक्सोकाइनेज की जो ग्लूकोज एफिनिटी है वो कम होती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज की ग्लूकोज एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लीवर में ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है और हेक्सोज जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ग्लूकोकाइनेज यहाँ कहने से मुराद ये है कि जो ग्लूकोकाइनेज है, ज़्यादा ग्लूकोज होगी तब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज लो एफिनिटी रखता है ग्लूकोज की, इससे मुराद ये है कि अगर बॉडी में थोड़ी सी ग्लूकोज भी होगी ना तो एक्सोकाइनेज अपना काम करेगा, लेकिन चूंकि अब हमारी ग्लूकोज जो बॉडी में थी वो एक तो नीड थी हमारी बॉडी की, वो उसने पूरी की, और जो अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, अब उसने कन्वर्ट होना है ग्लाइकोजन में या स्टोर्ड होना है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज है ज़्यादा, तो ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है ये एक्टिव हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को इमीजिएटली कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। आपने ग्लिसरलडिहाइड या ग्लिसरलियर 6-फॉस्फेट 3-फॉस्फेट में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है।
इमीडिएटली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में? वो इसलिए ताकि ये जो फ्री ग्लूकोज है ये एस्केप आउट ना हो। ग्लूकोकाइनेज एक बैरियर लगा देता है कि भाई अब तू कैद है, तू नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था ग्लाइकोजेनेसिस का? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल यही है, ये भी यही है। फर्क कहाँ पर है कि फॉस्फेट की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, 6 से 1 की तरफ आ गया। तो यहाँ पर कोई म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ होगा, ठीक है ना? तो इधर जो एंजाइम यूज हुआ है वो फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ है, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज एंजाइम। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है अब इसने कन्वर्ट होना होता है यूडीपी ग्लूकोज में। अगले स्टेप करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज है, जो यूडीपी ग्लूकोज जो बनेगा वो सोर्स है ऑल द ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज जो कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज। यहाँ पर जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूको पाइरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर यूटीपी जो है वो यूडीपी में कन्वर्ट होता है, सॉरी यूडीपी कह रहा हूँ पीपीआई में। इसको हम पाइरोफॉस्फेट कहते हैं। देखो जब किसी स्टेप में ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी ग्लूकोज, तो वहीं से हमें पता लग गया था कि भाई यहाँ कौन सा एंजाइम यूज हुआ। फॉर एग्जांपल जिसमें यहाँ पर 6 से 1 पोजीशन चेंज हो रही है तो हमें पता है कोई म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ होगा। कहाँ से? फॉस्फो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि फॉस्फो है, ठीक है ना, फॉस्फो फॉस्फेट है तो फॉस्फो है, ग्लूकोज म्यूटेज कर रहा है, क्या कर रहा है 6 से 1 में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इस जो एंजाइम यूज हुआ होगा वो उसका नाम होगा फॉस्फो ग्लूकोज या ग्लूकोफॉस्फोम्यूटेज एंजाइम, ठीक है ना, ये एंजाइम यूज होगा। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि यूडीपी ग्लूको पाइरोफॉस्फोरिलेज, क्योंकि हमें पता है कि यूटीपी पाइरोफॉस्फेट में भी रिलीज, जो यूटीपी है वो यूडीपी में यूज हो रहा है, ठीक है ना, यूटीपी बना रहा है, यूटीपी बेसिकली यूडीपी बना देगा यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है ना। और पाइरोफॉस्फेट फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइरोफॉस्फेट बना कैसे। यूटीपी जो है वो यूडीपी में कन्वर्ट हुआ है, ये आ गया यूडीपी, एक बात, ठीक है ना, एक फॉस्फेट इधर गया, ठीक है ना, और एक फॉस्फेट जो यहाँ से रिलीज हुआ है वो इधर गया, ये दो हो गए, ये हो गए टोटल दो, समझ आ गई बात, पाइरोफॉस्फेट। अब होता क्या है कि जो पीपीआई है ना, ये जो पीपीआई है ये इमीजिएटली कन्वर्ट हो जाता है टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में, ठीक है ना, बाय एंजाइम पाइरोफॉस्फेटेज। क्यों? दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल बिकॉज पीपीआई आर कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट इमीडिएटली बाय एंजाइम पाइरोफॉस्फेट जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं।
अब ये इरिवर्सिबल स्टेप क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन जब अगर ये रिवर्सिबल हो, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है बेसिकली, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो होगा क्या कि ये 2 PI जो है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा PPI में, और PPI क्या करेगा, PPI UDP को देगा, UDP जो है दोबारा इसको UDP ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये बजाय ग्लाइकोजेनेसिस होने के बजाय ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगी, जो कि एक सेपरेट फेनोमेना है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ तक कर लिया हमने, यूडीपी ग्लूकोज बन गए, ठीक है। अब बॉडी में RAD प्राइमर मौजूद होते हैं, ठीक है, बॉडी में प्राइमर मौजूद होते हैं ग्लूकोज के। बेसिकली ग्लाइकोजन है क्या, ग्लाइकोजन इज द प्राइमर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज, ठीक है ना। ये ग्लूकोज रेजिड्यूज लगे हुए हैं और ये एक चेन बन गई हुई है, ठीक है ना। ये है ग्लाइकोजन। कोई भी नई चेन, यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, कोई भी नई चेन जो है ग्लाइकोजन चेन बनाने के लिए एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया है तो उसने किसी पुरानी ग्लाइकोजन चेन पर जाकर अटैच होना होता है, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ग्लाइकोजन प्राइमर का बॉडी में होना जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यूडीपी है, यूडीपी जो है वो प्रेजेंट, यूडीपी ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है। यूडीपी और ग्लूकोज ने अलहदा होना होता है, ग्लूकोज हमें पता है ग्लूकोज नॉन रेजिडुअल एंड पर जाकर अटैच होगा और न्यू बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें उससे पहले ग्लाइकोजन प्राइमर चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए ग्लाइकोजन प्राइमर। इन अ पर्सन हुज ग्लाइकोजन स्टोर्स आर नॉट कंप्लीटली डिप्लेटेड, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ग्लाइकोजेनेसिस हुई है, ठीक है ना, ऑन फास्टिंग स्टेट। हमें पता है कि जब हम फैट स्टेट में होंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस होगी, जब हम फास्टिंग स्टेट में होंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। इन अ पर्सन जो कि फास्टिंग स्टेट में है, उसके ग्लाइकोजन लेवल कंप्लीटली डिप्लीटेड नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका प्राइमर जो है वो फ्रैगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुई है, ये बचता बचता एक बंदा बच गया, ठीक है ना। तो ये प्राइमर होगा नई ग्लूकोज के लिए, नई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना। इस पर आकर दोबारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल या रेजिड्यूज अटैच होंगे और ये इस यही चेन एलोंगेट्स हो एलोंगेट हो, ठीक है ना। अब दूसरा बंदा ले लो, इन अ पर्सन हुज ग्लाइकोजन स्टोर्स आर कंप्लीटली डिप्लीटेड, उसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो कंप्लीटली डिप्लीट हो गई है ही नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनिन। बाद कई बुक्स में इसको एंजाइम भी लिखा हुआ है, कईयों ने इसको प्रोटीन भी लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है एंजाइम भी हमें पता है कि प्रोटीन ही होते हैं, तो ग्लाइकोजेनिन ही होती है। वर्क एज अ प्राइमर इन दोज पर्सन हुज ग्लाइकोजन लेवल इज कंप्लीटली डिप्लीटेड। तो हम इसी को लेकर चलेंगे क्योंकि हमारी बुक्स ने ग्लाइकोजन को ही लेकर सारा कुछ बयान किया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या, बेसिकली ग्लाइकोजन आर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विद टायरोसिन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विद टायरोसिन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
यूडीपी ग्लूकोज जो है ना जो ऊपर बन चुकी है, यूडीपी ग्लूकोज जो है वो क्या करती है, वो इसके साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लाइकोजेनेज, ठीक है ना। जब रिएक्शन हो जाता है तो ग्लूकोज जो है वो ऐड हो जाता है ग्लाइकोजेनेज में। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोजन रेजी प्राइमर है, ग्लाइकोजेनिन ही है, ठीक है ना। यहाँ से आई यूडीपी ग्लूकोज ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, अपना जो है ग्लूकोज रेजिड्यू इसको दिया। अब होगा क्या, ग्लूकोज फ्री हो गया और यूडीपी भी फ्री हो गई है। यूडीपी फ्री हो गई है, दिस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज ऐड का, ग्लूकोज ऐड हुई है नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन जो कि एक प्राइमर है ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोग्लाइकोसाइलेशन, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एंजाइम इन दिस स्टेप। यूडीपी ग्लूकोज सिर्फ हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिंपली रिएक्ट के बाद ग्लूकोज डोनेट कर रहा है और खुद फ्री हो जाता है यूडीपी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ऑटोग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब एलोंगेशन कैसे होती है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्राइमर, ये अब ग्लाइकोसाइलेटेड है, ऑटोग्लाइकोसाइलेशन होगी ना, अब ये ग्लाइकोसाइलेटेड प्राइमर है। अब इसकी एलोंगेशन कैसे होगी, तो एक वेल रेगुलेटेड जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोजेनेसिस का, ग्लाइकोजेनेसिस वो है ग्लाइकोजन सिंथेस। कुछ बुक्स में सिंथेस लिखा हुआ है, कुछ बुक में सिंथेस लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन सिंथेस और सिंथेस। ये क्या करता है, मेक्स अल्फा वन फोर लिंकेजेस एंड स्टार्ट फॉर्मिंग ग्लाइकोजन चेन by adding glucose residues from UDP glucose to non-reducing end of the growing chain. For example, ये हमारा था primer. Body में UDP glucose molecule हजारों तादाद में, जो पहला glucose attach होगा ना UDP glucose से इसके ऊपर non-reducing end में, उसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ये ऑटोग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है, इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। जब ये प्राइमर ग्लाइकोसाइलेट हो गया है, उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या करता है, जो रिमेनिंग यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्या करता है कि यूडीपी जो है, फॉर एग्जाम्पल यूडीपी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज अटैक करता है इस पर, इससे क्या होता है कि ग्लूकोज रेजिड्यूज है वो फ्री हो जाता है और फिर अटैच हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्रोइंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक है ना। और यूडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यूडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द यूटीपी, ठीक है। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम है। अब अल्फा वन फोर बॉन्डिंग कर रहा है, तो अल्फा वन बॉन्डिंग हमें पता है कि अल्फा वन फोर बॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन में ही होगी। अगर आपने अमाइलोपेक्टिन या अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें होता क्या है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन में बेसिकली ये हमारा अमाइलोज है। अमाइलोज में क्या होता है, अमाइलोज में हम पता है कि अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, बोन होता है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच पॉइंट होता है एक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच पॉइंट है, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है ये अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, सिर्फ यहाँ पर अल्फा 16 होता है, बाकी रिमेन आगे फिर से वही अल्फा 14 होते हैं। अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, आगे से फिर अल्फा 14 है। आपने ये बात याद रखनी है, आपने इस चीज में कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई अगर यहाँ से चेन डाइवर्ट हो रही है तो इन सब में अल्फा 16 होगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट के जो दो हैं मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 16 होगा। बहरहाल हमने यूडीपी ग्लूकोज
ग्लाइकोजन सिंथेसिस ने अपना काम किया। अपना काम करने के बाद ग्लूकोज को नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन ऑफ द ग्लाइकोजन पर ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, यूडीपी जो हुआ यूटीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा है ग्लाइकोजन प्राइमर नॉन रिड्यूसिंग एंड पर, ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये। ठीक है ना, अब ब्रांचिंग फॉर्मेशन होनी है। ब्रांचिंग फॉर्मेशन करेगा ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है ना, ब्रांचिंग एंजाइम के दो काम होते हैं बेसिकली, इसकी दो डोमेन्स होती हैं ब्रांचिंग एंजाइम। एक डोमेन, अब ये करो कि इसके दो हाथ हैं, एक हाथ में इसने पकड़ी हुई है कैंची, ठीक है, दूसरे हाथ में इसने एक ग्लू की बोतल पकड़ी हुई है। ये क्या करता है, अप टू 8, 10 और 11 हर बुक का अपना अपना लिख रहा है। ठीक है, किसी बुक्स में 8 ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज लिखे हैं, किसी में 10 और किसी में 11। लेट अस्यूम हम 8 कंसीडर कर लेते हैं, हमने सिर्फ समझना है। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रोइंग एंड, ग्रोइंग एंड की बात कर रहा हूँ मैं। ये ग्रोइंग प्राइमर है, ग्रोइंग प्राइमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ना के इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्रोइंग नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्रोइंग प्राइमर पर ऐड हो रहे हैं इधर। ठीक है ना, होगा क्या, जब 8 ग्लूकोज ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज पहुंच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि यहाँ पर हो रहा है इस पॉइंट पर, क्या करेगा, ब्रांचिंग एंजाइम जो है ये वाला, इसकी जो ये डोमेन है जिसने कैंची पकड़ी हुई है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। तो हमें पता है कि लीनियर लेंथ है, इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल्फा 1-4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिन लिंकेजेस प्रेजेंट है। इसका क्या काम हुआ कि इसकी जो एक डोमेन है वो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, दूसरी बात, ओह ये हमारा हो गया ब्रेक। ठीक है, अब ये वाली जो डोमेन है ये क्या करेगा, यही एंजाइम, ये इसके हाथ में ग्लू है, यही एंजाइम इसको उठा के यहाँ पर अटैच कर देगा। ब्रांच बना देगा इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम लेते हैं इसको। ठीक है, अब अल्फा 1-6 इसने बॉन्ड बनाया, इसका काम है, ग्लू का काम है अल्फा 1-6 लिंकेज क्रिएट कर देना। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अल्फा 1-6 जो बॉन्ड है वो इन दो के दरमियान प्रेजेंट होगा, ना कि इनके दरमियान, इनके आगे फिर अल्फा 1-4 है। ब्रांचिंग पॉइंट सिर्फ दो रेजिड्यूज के दरमियान होता है, आगे फिर अल्फा 1-4 है। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम की दो डोमेन होती हैं, दो डोमेन के बाद क्या, दो डोमेन का काम क्या है, एक डोमेन क्या करती है कि अल्फा 1-4 को ब्रेक करती है, जो रेजिड्यूज बचते हैं उनमें क्या, उनको क्या करती है, जो ये ग्लूकोज की बोतल है, जो सेकेंड डोमेन है ये अल्फा 1-6 जो है उस पर बॉन्ड बना देती है ब्रांचिंग एंजाइम। सो दैट्स व्हाई दिस ब्रांचिंग एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड 4-6 ट्रांसलेज। फोर से ट्रांसफर कर रही है 6 पे, तो इस वजह से ब्रांच, दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड 4-6 ट्रांसलेज। ठीक है ना, ऑल एंजाइम्स आर वर्किंग टू मेक अप ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वही दोबारा वही काम, ग्लाइकोजन सिंथेसिस यूटीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेगा नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड इस पर अटैच करेगा। ठीक है, जब 8 ग्लाइकोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 8 ग्लाइकोज ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस काम करेगा। जब 8 ग्लूकोज साइड रेजिड्यूज पहुंचेंगे, दोबारा ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और 1-6 बना देगा दोबारा बॉन्ड। ठीक है,
फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक ट्री लाइक शक्ल हो जाएगी इसकी ना। वाई ब्रांचिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ब्रांचिंग मेक ग्लाइकोजन मोर सिंपल, इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज ब्रांचिंग मेक ग्लाइकोजन मोर सोल्युबल। ठीक है, ये थी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें आपने जो बात याद रखनी है, वही तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के बारे में याद रखनी है कि ये क्या करता है, ठीक है ना। वेल रेगुलेटेड एंजाइम है ग्लाइकोजेनेसिस का, ठीक है। उसके बाद आपने जो बात याद रखनी है वो डी ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में याद रखनी है, ठीक है ना। ब्रांचिंग एंजाइम हमेशा ग्लाइकोजेनेसिस में होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम जब हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेंगे वो उसमें होगा, ठीक है ना। तो एक क्विक समरी हम कर लेते हैं दोबारा से कि आखिर में है क्या। ग्लूकोज जो है वो एंटर होता है बॉडी में, ग्लूकोज होता है लीवर में, लीवर में एंटर होने के बाद जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इमीडिएटली कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज एक फ्री मॉलिक्यूल है, GLUT2 रिसेप्टर से इन हुआ है, तो GLUT2 रिसेप्टर से इजीली एस्केप आउट हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होने के बाद जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से जो एंजाइम यूज हुआ होगा उसका एंजाइम फॉस्फोग्लूकोब्यूटेज एंजाइम होगा, ठीक है ना। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है वो यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वाया एंजाइम यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज। यहाँ पर 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ पाइरोफॉस्फेट। कैसे? वो इस तरह से कि एक फॉस्फेट हमें ग्लूकोज 1-6-फॉस्फेट से मिल गया, ठीक है ना, और एक फॉस्फेट हमें यूटीपी जो कि यूडीपी में कन्वर्ट हुआ है उससे मिलेगा, तो ये बन गया 2 PPI। अब जो PPI है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बाय एंजाइम पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि अगर ये अवेलेबल होगा यूटीपी ग्लूकोज को तो क्या करेगा, यूटीपी ग्लूकोज यहाँ से एक फॉस्फेट उठाएगा, यूटीपी को भी कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एक फॉस्फेट ग्लूकोज में ऐड होगा तो ये दोबारा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल स्टेप हो जाएगा। लेकिन नेचर ने ऐसा हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल है, PPI इमीजिएटली कन्वर्ट हो जाएगा 2 PPI में, ठीक है ना, तो ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज, हमें पता है कि अगर दो पर्सन हम ले लेते हैं, एक पर्सन वो जिसमें ग्लाइकोजन जो है वो कम्प्लीटली डिप्लीट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, तो उसमें जो रिमेनिंग रेजिड्यू होगा ना वो इक्का दुक्का रह जाएगा, वो उसका ग्लाइकोजन प्राइमर होगा, उसी पर नई ग्लूकोज जो नए ग्लूकोज रेजिड्यू होगा वो जाकर अटैच होंगे, ठीक है। दूसरा पर्सन हम ले लेते हैं, वो पर्सन जिसमें कम्प्लीटली जब वो फास्टिंग स्टेट में है उसमें कम्प्लीटली ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गई है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ग्लाइकोजेनिन जो कि हम बाज बुक में एंजाइम लिखा हुआ है, इसको बाज बुक ने इसको प्रोटीन लिखा हुआ है, लेकिन सम ऑफ एंजाइम ही प्रोटीन ही है, ठीक है ना, तो हम प्रोटीन ही बात कर रहे हैं। प्रोटीन होती है बॉडी में ग्लाइकोजेनिन, वो क्या करती है, बेसिकली वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्राइमर ही होती है। यूटीपी ग्लूकोज जो है वो अब अपना फर्स्ट ग्लूकोज जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड पर देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने अपना ग्लूकोज फर्स्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये एक तो इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, यूडीपी ग्लूकोज जो है वो अपना ग्लूकोज देती है, यूडीपी रिलीज हो जाती है, फिर यूडीपी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें टायरोजिन जो कि ग्लाइकोजेनिन नहीं है, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनिन में टायरोजिन डोमेन होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोमेन होती है। यूडीपी ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद फ्री ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्राइमर पे ऐड हो जाती है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग ग्रोइंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन प्राइमर होता है, ठीक है ना, और यूटीपी रिलीज हो जाता है। ये ऑटोग्लाइकोसाइलेशन है, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जब ये ग्लाइकोसाइलेटेड प्राइमर क्रिएट हो जाता है जो कि ये है, ठीक है ना, तो फिर असल काम होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, जो कि यूटीपी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज को फ्री करती है और यूटीपी को यूटीपी में कन्वर्ट करती है, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऐड करती जाती है, या ये करने को लेंथ इलोंगेशन करता जाता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस अप टू द 8 ग्लाइकोसाइल रेजिड्यूज। सम बुक्स में लिखा हुआ है कि 8 है, कहीं ने 10 लिखा और कहीं ने 11 लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर चूंकि हमने समझना था हमने 8 की एग्जांपल ली। जब 8 की एग्जांपल हो जाएगी तो क्या करेगा कि एक एंजाइम है ब्रांचिंग एंजाइम,
इसकी दो डोमेन होती है, एक तो अल्फा 1/4 ग्लाइकोसाइडेज आप कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, अल्फा 1/4 ग्लाइकोसाइडेज कह सकते हो, ठीक है ना, और आप एक अल्फा 1/6 जो आप कह सकते हो कि बॉन्ड बना रहा है, एक उसकी ये डोमेन होती है, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1/4 से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसी रेसिड्यू को अल्फा 1/6 बॉन्ड बनाकर दोबारा उसकी दोबारा उसके एंड पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। यूं ये जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है ये ट्री लाइक आपको नजर आएगी, ठीक ना। ब्रांचिंग एंजाइम को हम आल्सो 4/6 ट्रांसफरेज कहते हैं, क्योंकि 4 से वो ब्रेक करके 6 पर 6 बॉन्डिंग बनाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ब्रांचिंग मेक्स ग्लाइकोजन मोर सॉल्युबल, ठीक ना, इट इंक्रीजेस द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन टू विच न्यू ग्लाइकोसाइड रेसिड्यूज कैन बी एडेड और रिमूव्ड। ठीक, बात सीधी सी वही है, यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो एक नॉन रिड्यूसिंग एंड जनरेट होगा, हमें पता है कि ग्लूकोज है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड पर जाकर अटैच होती है, तो इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि ब्रांचिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ एक तो सॉल्युबल है, एक तो नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट होते हैं जहाँ पर न्यू ग्लूकोसाइल रेसिड्यूज अटैच होते हैं, ठीक है ना। ब्रांचिंग ग्रेटली एक्सेलरेट द रेट एट विच ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन कैन अकर, ठीक है ना। तो ये थी पार्ट वीडियो के, मैंने ग्लाइकोजेनेसिस आपको करवा दिया। ओके, समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये कह सकता हूँ बार बार देखो, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई आ जाएगी। मैंने एक बहुत सिंपल से कंसेप्ट के साथ आपको समझाया कि आखिर ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये पार्ट होगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का। अगले पार्ट में हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करेंगे और उसी में हम ग्लाइकोजेनेसिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो हमेशा याद रखें।